अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वन क्लास अभी जो है इस्लामियात का पीरियड है, तो इस्लामियात की बुक्स निकाले, सबक नंबर 4 पेज नंबर 10। आज हम लोगों का सबक नंबर 4 स्टार्ट होगा, अल्लाह ताला के नबी। आज हम जो टॉपिक हमारा है अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह ताला के जो नबी है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत बेहद मेहरबान है। बच्चों आप लोगों का बताए कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदे कौन कौन है, जो हम लोग हैं अल्लाह ताला के इतने ज़्यादा जो है बंदे, तो अल्लाह ताला सब बंदों पे जो है वो बहुत मेहरबान है। उसने अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे। बच्चों आप लोगों को पता है अल्लाह ताला ने अपने बंदों को यानी हम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे। सही है बच्चों, अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाने के लिए कौन भेजे थे बच्चों? अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। नबी और रसूल अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं। बच्चों नबी और रसूल जो है अल्लाह ताला के जो है ख़ास बंदे होते हैं। अल्लाह ताला उन पर अपना पैगाम नासिल करता है। अल्लाह ताला जो है अपने नबी और रसूल पर जो है पैगाम, जो है पैगाम का मतलब किसी बात को पहुंचाना, सही ये पैगाम एक दूसरे को पैगाम जो है वो नाजिल करता है। नबियों और रसूलों ने लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया। बच्चों नबी जो है और रसूल जो अल्लाह ताला के नबी हो रसूल, ऐसे जब ज़्यादा होते ज़्यादा नबी होते तो नबियों पढ़ते, रसूल जो होते ये रसूलों पढ़ते। नबियों और रसूलों ने लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ दे, नबी और रसूलों ने लोगों जिसे हमारी ये दुनिया के जो सब लोग हैं उसको अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया और नेकी का रास्ता दिखाया। नबियों और रसूलों ने लोगों को जो इबादत की तरफ बुलाया और नेकी का रास्ता दिखाया, यानी मतलब नेक अच्छा रास्ता दिखाया। उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया और ज़िंदगी का जो है गुजारने का जो है तरीका सिखाया। अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताया। जो नबी और रसूल अल्लाह ताला ने भेजे थे उसने लोगों को अच्छाई और बुराई का जो है वो फ़र्क बताया। अल्लाह ताला के सारे नबी और रसूल सच्चे थे। बच्चों आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला के जितने भी रसूल थे और नबी थे वो जो है वो सब सच्चे थे, सही वो झूठ नहीं बोलते थे, वो जो भी बोलते थे हमेशा जो थे वो सच बोलते थे। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया में जो सबसे पहले नबी आया बच्चों वो उसका नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जो दुनिया में सबसे पहला नबी आया तो उसका नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अगर आप लोगों से किसी ने पूछा कि हमारे पहले नबी का नाम क्या है तो आप लोगों ने क्या बताना है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और आखिरी नबी का और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर आप लोगों ने से किसी ने पूछा कि आखिरी नबी का नाम क्या है तो आप लोगों ने क्या बताना है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दुनिया में सबसे पहले नबी आया था वो उसका नाम क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। और जो सबसे आखिरी नबी है वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप लोगों से फिर किसी ने पूछा कि जो हमारा आखिरी नबी है वो कौन है तो आप लोगों ने क्या बताना है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मशहूर नबियों के नाम ये हैं बच्चों। जो सबसे मशहूर नबी है अल्लाह ताला के उनके नाम कौन कौन से हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सही। तो ये चार नबी होंगे जो बहुत मशहूर है। चंद नबी जो थे नबी और रसूल जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चंद मशहूर नबियों के नाम हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही है बच्चों, ये आप लोगों की रीडिंग हो गई। और जिस लफ्ज़ के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप लोगों का होमवर्क है, और कल मैंने आप लोगों से फिर उसका टेस्ट लेना। बंदो मेहरबान सीधा ख़ास बंदे नाजिल रसूलों
अच्छाई बुराई फ़र्क, नबी रसूल सच्चे आखिरी, ये आप लोगों को हम और के और कल मैं आप लोगों को इसकी सवाल और जवाब करवाऊंगी। सही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।